नकर शिकवे मुकद्दर से नसीब अपना आजमाता जा, न डर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अरमीना मंजूर। शुरू करती हूँ उस खुदाई बाबरकत के नाम से जो बड़ मेहरबान और तमाम जहानों को पालने वाला है, दुरूद सलाम आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जनाब सदर महफिल, इज़्ज़त माव उफारजा साहिबान, मेरे प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला है वो है उस्ताद की अजमत। हमारे दरसगाहों में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही तो कौम की बुनियाद होते हैं। मौजूद सामाइन, इंसान दुनिया में कभी भी तनहा वक्त नहीं गुजारता, वो कहीं रिश्तों के साथ जुड़ा रहता है। इनमें से कुछ रिश्ते इखलाकी, रूहानी और माशरी तौर पर बंधे होते हैं। इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में रूहानी बाप का दर्जा हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का रुतबा वालदैन के रुतबे के बराबर करार दिया गया है, क्योंकि वालदैन के बाद अगर किसी पर बच्चे की जिम्मेदारी आयद होती है तो वह है मुअल्लिम यानी उस्ताद। उस्ताद तो वो हस्ती है जो हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की राह दिखाती है। उस्ताद तो वो है जो हमें दुनिया में मरना, रहना और सहना सिखाते हैं। उस्ताद तो वो है जो लोहे को दबाकर कुंदन बनाते हैं, जो पत्थर को तराश कर हीरा बनाते हैं, जो बंजर जमीन को सेज कर कलियान बनाते हैं। बरसते है ये सावन की तरह जमीनों पे, इन्हीं की खोज से सब नामवर ऐजाद होते हैं। मौजूद सामाइन, उस्ताद मीमार भी है, लोहार भी और किसान भी। ये कोई मामूली बात नहीं, एक ज़माना था जब तालिबे इल्म मीलों मीलों का सफ़र पैदल तय करते थे, मुल्क मुल्क घूमते थे, घर बार से दूर रहकर अपने प्यासे मन को सैराब करते थे, उस्ताद की मार खाते थे, उस्ताद की डांट खाते थे, उस्ताद की सजा जीते थे, तब जाके कहीं निगीने बन जाते थे। मगर अफसोस, इस दौर के तालिबे इल्म बेअदब और बदतमीज़ बन गए हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब अर्ज किया है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों का, अदब तारीख का जो है जेवर है जमाने का। मौजूद सामाइन, इस्लाम ने जहां मुसलमानों के लिए हुसूल इल्म को फर्ज करार दिया है, वही इस्लाम की नज़र में उस्ताद को एक मौजूद मकाम हासिल है, ताकि उस्ताद की अजमत से इल्म का वक़ार बढ़ सके। मौजूद सामाइन, उस्ताद की अहमियत, इल्म की बारिश जैसी है जो बंजर जमीन को भी सरसब्ज और शादाब बना देती है, जो बारिश की फैज से सैराब हो जाती है। मौजूद सामाइन, दुनिया में इल्म की कदर, इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उस्ताद को मुआशरे में एक मुअज्ज़ज़ मकाम हासिल ना हो। और जो तालिबे इल्म उस्ताद की इज्जत करते हैं वो दुनिया में कामयाब और कामरान रहते हैं, और जो लोग दुनिया में इज्जत का मुकाम हासिल करते हैं उन्होंने अपने उस्ताद को इज्जत दी होती है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वही शागिर्द फिर उस्ताद हो जाते हैं मुस्तकीम, जो लोग जान से खिदमत उस्ताद करते हैं। शुक्रिया।